हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी मेंस का जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहला टॉपिक है परिमेय संख्याओं के ऊपर है। और परिमेय संख्याएं हैं तो परिमेय संख्याओं के बीच उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सब टॉपिक है। तो परिमेय संख्याओं को जोड़ना तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे इन्हीं दो तो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 3/4। कैल्शियम ले लेंगे तो 12, 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 3 = 9, तो 17/12। इनको जोड़ने का, सेम इनको घटा भी सकते, तो ये -1/12 हो जाएगा। इनको अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा होता है। डिवाइड करने से ये 2/3 डिवाइड अगर करेंगे 3/4 से तो ये डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। और एक और चीज़ जो है जोड़ना घटना, ये तो बहुत सिंपल है, जो हर क्वेश्चन में आपको जरूरत पढ़ ही जाता है। और इसमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक और परिमेय संख्या एक या फिर एक से ज़्यादा परिमेय संख्याओं को पूछना, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालेंगे तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो जब दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो सबसे पहले देखिए इनका नीचे का हमें इनको इक्वल करेंगे, क्योंकि 2 और 3 के बीच में हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें नीचे करने के लिए इधर हम लोगों ने क्या किया था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, 8/12 और इधर 9/12। अब देखिए, अभी 8 और 9 के बीच में संख्याएं निकालना ये भी बहुत टफ काम हो गया। तो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा जैसे 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, तो हम इन दोनों में जितना बोला है उससे +1 यानी कि 6 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो दोनों तरफ 6 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये 8 6 = 48/72 और सेम 9 6 = 54 डिवाइड बाय 8 6 = 72 ये हो गए। अब 48 के बाद अगर आप देखेंगे 49 50 51 52 53 सबका डिवाइड बाय 72, ये हमारे 5 परिमेय संख्याएं होंगी जो हमारा आंसर होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए इसको और कर सकते हैं, जैसे जो भी डिवाइड होगा आप उसको और डिवाइड करके इसको और सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कर सकते हैं और जो भी इसका डिवाइड होगा वो उसका आंसर होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, क्वेश्चन हर साल आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके लिए बनाया गया। आगे और भी ऐसे वीडियोज़ अपलोड जल्दी किए जाएंगे। थैंक यू।